सब गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ बड़ोड़ा और चलो मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे इससे बड़े शैतान से छुटकारा मिलने वाला है कुछ दिनों के लिए। अब देखना, आई मिस यू। वीडियो करो बोल रहा है तो नहीं करता वीडियो करो नहीं करता वीडियो करो नहीं करता करता है तो फिर वो सब मजाक था। हाँ मिस यू वाला मिसी वाला सस्ता। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मजाक कर रहा था कि मैं हैप्पी हूँ, और वैसे तो मैं हैप्पी हूँ पर इस वजह से नहीं कि तू जा रही है। ऐसे हैप्पी हो, हैप्पी तूने तो बोला हैप्पी रहना चाहिए हमेशा। नहीं नहीं हाँ। तो फिर जब तक देखो प्रैंक करके तू ही करता रहूंगा तब तक मैं खुश रहूंगा। एनीवेज जय माता दी। अरे ये नहीं कर रहा था। जय माता दी। चलो चलो अंकिता की फाइनली कैब आ चुकी है। कैब कब की आ गई थी? मैं अब निकल रही हूँ। हाँ मतलब 20 मिनट चाहिए कैब, लेट करवाया किसी और को तेरी वजह से। इसको बोलते पावा देख एक हाथ से। खुद तैयार होने में इतना लेट लगा थी, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। देख मैं फिर भी लेट सो नहाने में इतना ज्यादा टाइम। चल जय माता दी भाई, कुछ रहता नहीं है तेरे पास। जय माता दी। चलो अंकिता तो चली गई है, मैं बैठूंगा खाना खाने, क्योंकि वो तो खाना खा के गई, थोड़ा सा एक ही रोटी खाई है पता नहीं क्यों। यार 5 सेकंड बाहर निकलते ही गर्मी ऐसी लगी ना मेरे को। फिर से स्कैम कॉल आया, रुक जा सुनाता हूँ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट। सर यू आर कम फॉर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एनीथिंग? हिंदी हिंदी में बात कर लो आप। सर आई ट्रांसफर हिंदी डिपार्टमेंट वन मिनट बेसर। ओके क्या स्कैम कॉल वाले भी इतना सारा टाइम पास करते हैं। मम्मी का देगा। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बोलो। मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आप पार्सल है? आप अपना पार्सल नंबर दीजिए, मैं डिटेल चेक करके बताऊंगा। मेरे पास कोई पार्सल नंबर नहीं है। मेरा तो हमने बुक कोशी नंबर से रजिस्टर हुआ था। आपका नंबर है? हाँ पार्सल नंबर 19 जून को रजिस्टर हुआ था। और आपका वॉइस कट रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से। आप लाइन पर बने रहिए, मैं डिटेल चेक करके बता रहा हूं। हाँ ठीक है। क्या है, कैसी जगह पे ऑफिस खोल रखी है इन लोगों ने? इतना लूटते हैं लोगों को फिर भी अच्छे से नेटवर्क में नहीं बैठते। मिस्टर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? हीरेन। पूरा नाम? हीरेन पटेल। हीरेन पटेल हाँ। जानकारी की गलत करते सुने, हमारे कस्टम सिस्टम में आपके नाम से पार्सल दिखा रहा है। अच्छा जो डीएचएल कुरियर के माध्यम से दिल्ली से सिंगापुर भेजा जा रहा था। दिल्ली से सिंगापुर? और नई दिल्ली तक क्या भेजा? दिल्ली से सिंगापुर भेज रहा हूँ। मैं तो दुबई भेज रहा था। मैंने दुबई भेजा था, सिंगापुर मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। आपका ये दिल्ली से सिंगापुर भेजा जा रहा है। अच्छा तो ये मेरा नहीं है, गलती से नंबर किसी और ने डाल दिया होगा। गलती से नंबर किसी और ने डाल दिया है, इसीलिए तो आपके पास इमरजेंसी कॉल करके बता रहा है। और नई दिल्ली कस्टम जांच स्तर में पता चला है उस पार्सल में इलीगल सामान भेजा जा रहा है। 19 फेक पासपोर्ट, 65 ग्राम इंडियन। ये पार्सल आपने भेजा है? फेक पासपोर्ट मैं क्यों भेजूंगा किसी को? और 159 ग्राम इंडियन में था जो इलीगल ड्रग्स है, आपके नाम और नंबर से भेजा जा रहा है। ड्रग्स? क्या आप बोल रहे हैं कि आपने डीएचएल कुरियर के माध्यम से कोई पार्सल नहीं भेजा है? नहीं। अगर आपने ये पार्सल नहीं भेजा है पटेल, तो मैं आपसे कुछ तरह से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ बताइए। क्या आपने कभी अपनी आईडी कार्ड खोया है? नहीं। कोई भी आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड? नहीं नहीं कुछ नहीं खोया। कभी किसी को अपनी आईडी पार्सल देने के लिए दिया? जी नहीं। आप जॉब कौन सा करते हैं? क्या आप नौकरी कहाँ से करते हैं? नौकरी मिलती नहीं, कहाँ से करूँ नौकरी? आपका उम्र कितना है? क्या नौकरी उम्र? 22 साल। 22? हाँ। और
क्या आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद से बोलिए, बीच में बोले जा रहे हैं। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? हाँ करता हूँ। और कभी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने डाटा रिसाव किया है आपने? होटल बुकिंग, कार बुकिंग कर कहीं अपनी आईडी लगा है? नहीं, वो मैंने अपना नहीं देता हूँ, कि दोस्त का देता हूँ। दोस्त का देते हैं ये नंबर आप? जी नहीं, कई तरह से संभव की आपका पर्सनल डेटा आईडी किसी के पास सकता है, जो आपके नाम और संपर्क को मिसयूज करके इंटीजर पार्सल भेजता है, राइट? जी काट दिया उसने। उसने जितनी भी ट्राई की ना, जितना भी चीजें उसने बोला, मैंने एक भी उसकी बातों में मतलब, वो क्या है 22 साल का है तो वो पैसे लूट नहीं सकता कुरियर के नाम पे, ठीक है। उसके अलावा जितनी डिटेल्स उसने बोली कि भाई आप आईडी कार्ड दिया, अगर मैं बोलता मैंने आईडी दिया है तो वो ऐसे ही वो ये चीज बोलता कि भाई अच्छा आपने आईडी खो दिया तो किसी ने आपकी आईडी से किया, आप फंस गए। मम्मी तो देखो, मम्मी तो टेंशन में आ जाती है ऐसा फोन आता है तो। यार एक्चुअली मेरे को है ना उसको उल्टी तरह से बोलना था तो वो और उसका दिमाग खराब होता, मजा आती। चलो कोई नहीं भाई, कस्टम के नाम से अगर फोन आया किसी को तो डरना नहीं, स्कैम है। अगर बोले कि आपके आप पासपोर्ट भेज रहे हो, ड्रग्स भेज रहे हो, आप फंस जाओगे, पुलिस का केस हो रहा है, फालतू है, उसको दो गाली देके फोन रख दो। सो गाइस, मैं बड़ौदा भी आ गई, खुद के घर पे भी आ गई, अब देख सकते हो। एंड मैंने लाइक लंच करने वाली थी, पर मुझे पता चला कि आज ब्रेकफास्ट में बना था पोहा, तो मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट वाला ही मैं अभी लंच लेती हूँ, और जो लंच है वो मैं खाऊंगी डिनर। और एक्चुअल में अभी खाने में बनी है भिंडी की सब्जी, गुलाब जामुन, दाल एंड रोटी एंड राइस, बट अभी अपने ये खाएंगे ठंडी ठंडी छाछ के साथ। हम लोग निकले हैं, मैं, दिव्यांगा और पापा, मेरे पापा के नंबर के चश्मे करवाने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है अभी, बाय द वे मैं वापस से ना सनस्क्रीन लगा लिया। गर्मी नहीं है। अच्छा हाँ, बर्फ गिर रही है, देखो ना दिव्यांग, बर्फ गिर रही है। 28 डिग्री है, मुझे गर्मी लग रही है। 28 डिग्री नहीं है बाय द वे, ज्यादा है, ये दिव्यांग की बातों में मत जाना। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मैं सेकंड कोट भी SPF का लगा के निकली हूँ। हाँ तो तू नहीं लगाता, तेरी मैं तेरे को लाके भी देती हूँ अच्छी से अच्छी। तू नहीं लाके दी, मैं खुद ने खरीदी। तो वो इतने सालों तक लाके दिया तब कुछ नहीं, अब भी जब एक बार तूने खरीदा था तो मुझे रट रहा है, माला गया मैंने खरीदा खरीदा। हम लोग गए हुए मुझे वाला अच्छा लगा, ये ब्लू है ना, तुझे कैसा लगा दिव्या? तो हमने लेंस कार्ड में तो देखा थोड़ी बहुत, बट अभी बाजू में एक दूसरी भी है ऑप्टिक हाउस, वहाँ पे जाकर के चेक करते हैं एंड फिर फाइनलाइज करते हैं कौन सी लेनी है। इधर देखो तो पापा, इधर देखो तो ये उसमें नहीं दिखाई दे। तो हम लोग यहाँ पे लेंस कार्ड में गए थे, उसके अलावा बाजू में विष्णु ऑप्टिकल्स में आए थे, वहाँ पे फ्रेम हमको ज्यादा अच्छी लगी है, तो हम यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं। पापा को भी अच्छा लगा, दिव्यांग और मुझे, हम सबको एक अच्छा लगा है। ओके गाइस, तो दोपहर को मैं ना थोड़ी देर के लिए मतलब 10-15 मिनट के लिए सो गया था, और उसके बाद एडिटिंग किया अंकिता की वीडियो। अगर अंकिता की वीडियो आपने नहीं देखी और 24 आवर्स मैंगो ईटिंग चैलेंज, तो जाके देख लेना, अंकिता के चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा अभी भी नींद में हूँ, पर ना के मैं निकला हूँ बाहर, और दोपहर को मैं इसलिए नहीं सो पाया था, सिर्फ 10 मिनट इसलिए सोया था क्योंकि चैंप की थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, तो मैं डॉक्टर को बुलाया था घर पे, और डॉक्टर ने उसको देख के और चेक करके बोला इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद गर्मी की वजह से नहीं खा रहा है या तो फिर बस आलस में है ये, इसलिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने भूख के लिए उसको 2-3 इंजेक्शन ठोस लगा दिए, और भाई जो इतना उछला है वो मजा आ गई। और या उसको चेक करके गए हैं, फिर कोई पाउडर दिया है जो बाद में लेके आऊंगा मैं, तो उसको खाने के अंदर डाल के देने का है, जो कि उसके पेट गड़बड़ के लिए है, अगर उसने ऐसा वैसा कुछ खा लिया होगा तो उसका पेट थोड़ा ठीक हो जाए उसके लिए। बाकी तो मैं अभी निकला हूँ, आईपैड का कवर फाइनली आ गया है वापस से, पहले मैंने बीच में डलवाने के लिए गया था बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी। मैंने बोला यार इतना महंगा अगर मैं कवर ले रहा हूँ तो फिर काहे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, तो फिर मैंने कवर नहीं लिया था, और अभी फाइनली अच्छा वाला आ गया होगा, फिटिंग वाला आ गया होगा, तो फाइनली डलवा देंगे। 3,000 रुपये डलने के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, और भाई कहीं पे भी इसकी कोई भी एसेसरीज कवर जल्दी मिल ही नहीं रहे। फिलहाल चलते हैं ज़ुप मोबाइल और डलवा देते अपने आईपैड का जो भी कवर है अच्छा वाला, वो फाइनली ज़ुप मोबाइल पहुंच चुका हूं, इसको फाइनली कवर लगेगा आज। लगा के ही दिखा दो क्या है क्या नहीं, मेरे वीडियो का फ्री डेमो हो जाएगा ना। ये स्टैंड स्टाइल अलग है ना सर, चिमच बेस साइड में स्टैंड स्टाइल आ। अच्छा तो आपड़े जो नॉर्मल आवे हां जी, वो
ओरिगामी नाम। अच्छा ये ज्यादा बेटर है। चलो डन, फाइनली कवर भी हो चुका है डन भाई। इसके वेट में और फिर इसके आईपैड के अकेले में आसमान जमीन का फर्क। इसमें जैसे आईपैड लगा था ना, इतना ज्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि कीबोर्ड ही बहुत हैवी है। बट इसको जरूरी साथ में ले जाना। कीबोर्ड वाला कब जरूरत पड़ता है? अगर आपने कहीं पर रखा है, घर पे रखा है या बाहर ले जाके आप रख रहे हो और काम कर रहे हो तब कीबोर्ड वाला जरूरत पड़ता है। पर ट्रैवल कर रहे हो लेके या घूम रहे हो इधर उधर तो आई थिंक नहीं जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त लाइट वाला कवर ही ज्यादा बेटर रहेगा, वरना भयंकर हैवी हो जाता है दोनों मिला के। फिलहाल मैं आया हूँ केपी सन्स में जो स्वीट कॉर्नर के बगल में ही है। और भाई इसका नाश्ता बहुत अच्छा होता है, पानी पूरी वगैरह से लेकर सब कुछ अच्छा होता है। आलू टिक्की चाट आज मंगा रहा हूँ क्योंकि पानी पूरी हो चुकी है खत्म। वरना अभी रिसेंटली से क्या नया खुला है तो जनरली जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं एक प्लेट पानी पूरी जरूर खाता हूँ। चलो फाइनली मेरी आलू टिक्की तैयार होने वाली है। आज पता है भूख नहीं थी पर ऐसे कुछ खाने का मन था, चटपटा था, इसलिए मैंने ये मंगाया। नमस्कार। तो गाइस मैं घर पे आ चुका था और घर पे आने के बाद भाई मैंने एडिट वेडिट किया, खाना वाना खाया और उसके बाद अभी मेरी आंखें जल रही है पर ब्लॉग एडिट करना बाकी है तो उसको एडिट करूंगा और अपलोड करूंगा। आप लोगों को मिलता हूं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और प्रोडक्शन चैनल मतलब हीरे नवीन प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उस पर शॉर्ट फिल्म के पे काम चल रहा है एक, जिसकी एडिटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी होपफुली। थोड़ी दिन के बाद एडिटिंग कंप्लीट होने वाली है और देखते हैं किस तरह से प्लान करते हैं उसको अपलोड करने का, लाइव करने का। पर प्रोडक्शन चैनल को आप मतलब हीरे नवीन प्रोडक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना विद बेल आइकन और बहुत जल्दी कुछ आएगा तगड़ा मसाला वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।